कुछ समय पहले की बात है, शांतिपुर नाम के एक गांव में छाया नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का नाम देवांश था। छाया जब पैदा होती है, उसके पैदा होते ही उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। देवांश अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण छाया को ही मानता है, मगर छाया से कभी कुछ नहीं कहता। एक बार छाया अपने दोस्त गोलू के साथ पहाड़ी के पास खेल रही होती है, तभी उसकी गेंद पहाड़ी पर जाकर गिर जाती है। उस पहाड़ी से लगकर बहुत ही गहरी खाई होती है। लगता है गेंद पहाड़ी पर जाकर गिर गई। गोलू तू ठहर, मैं अभी गेंद लेकर आती हूँ। छाया पहाड़ी पर गेंद लेने चली जाती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह खाई की तरफ गिरने लगती है। गोलू बचाओ मुझे, मैं गिर रही हूँ। गोलू दौड़कर छाया के पास आता है और छाया को खाई की तरफ से निकालने के लिए अपना हाथ देता है। छाया गोलू का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है, मगर तभी अचानक गोलू का पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिरकर मर जाता है। जब गोलू के माँ बाप को यह बात पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और छाया पर बहुत गुस्सा करते हैं। गोलू के पिता का नाम रमेश है। छाया, तुम्हारी वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। देवांश भाई, आपकी ये बेटी अब शगुनी है, इसको आप अपने घर में ही रखा करिए, नहीं तो पता नहीं ये कितने लोगों को खा जाएगी। यह सब देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और वो आपस में छाया के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। देवांश सर झुकाकर चुपचाप गांव वालों की बातें सुनता है और फिर छाया का हाथ पकड़कर उसको घर ले आता है। छाया, अब तुम गांव के किसी बच्चे के साथ खेलने बाहर नहीं जाओगी, अब तुम सिर्फ घर में ही रहोगी। अपने पिता की बातें सुनकर छाया रोने लगती है। उस दिन से छाया अब हमेशा घर के अंदर ही रहती है। घर के अंदर रहकर छाया ऊब जाती है। जब एक दिन उसका पिता देवांश सो रहा होता है, तभी वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और उस बगीचे में जाती है जहां गांव के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। छाया उन बच्चों के पास जाती है। छाया को अपनी तरफ आता देख बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। वो देखो, छाया आ रही है। मेरी माँ ने मुझे छाया से दूर रहने के लिए कहा है। हाँ, हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे इससे दूर रहने के लिए कहा है। फिर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर छाया बहुत दुखी होती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी छाया की नजर एक डिब्बे पर पड़ती है। जब छाया डिब्बे को खोलकर देखती है तो उसमें दो सुंदर सुंदर मोती लगे हुए कंगन रखे होते हैं। तभी अचानक मोतियों से बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है। छाया, मैं एक जादुई कंगन हूँ। इस जादुई कंगन को पहनने के बाद जब तुम किसी भी मुसीबत में दिखोगी तो तुम्हारे हाथों में जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, जिससे तुम अपने इन हाथों से लोगों का भला करोगी, जिससे तुम्हारे लिए इन गांव वालों के विचार बदल जाएंगे और फिर सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। छाया कंगन पाकर बहुत खुश होती है और घर जाकर उस कंगन को अपने हाथों में पहन लेती है। फिर दूसरे दिन छाया खुशी खुशी बगीचे में जाती है। उन बच्चों की तरफ ललचाए नजरों से देखने लगती है, मगर कोई भी बच्चा उसके पास आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता। अरे देखो देखो, छाया आज फिर से आ गई, बेचारी। सभी बच्चे उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। छाया बगीचे में शाम तक बैठी रह जाती है, मगर कोई भी बच्चा उसके पास खेलने के लिए नहीं आता। फिर छाया उदास होकर घर वापस चली जाती है। अगले दिन छाया जादुई कंगन के द्वारा कही गई बातों को मन में लेकर फिर से उसी बगीचे में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उन बच्चों की तरफ देखने लगती है। जादुई कंगन ने तो बोला था कि कंगन पहनने के बाद मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर इस कंगन का तो कुछ भी असर नहीं हो रहा। कोई भी बच्चा मेरे पास खेलने के लिए नहीं आ रहा है। तभी एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ। छाया देखती है कि एक बच्चा पेड़ से लटक रहा है। पेड़ बहुत ऊंचा रहता है। तभी उसकी माँ पार्वती वहाँ आ जाती है।
कोई बचाए मेरे बच्चे को, नहीं तो वह पेड़ से गिरकर मर जाएगा। जैसे ही छाया पेड़ के पास जाती है, तभी बच्चे के हाथ से पेड़ की डाली छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी छाया के हाथों में जादुई शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वह बच्चे को जमीन पर गिरने की वजह से अपनी बाहों में थाम लेती है। यह देखकर उसकी माँ आश्चर्यचकित रह जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा बच्चा पेड़ से गिरकर मर जाता। यह सब देखकर बगीचे के सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और उस दिन के बाद उस गांव के बच्चे छाया को अपशब्द बोलना बंद कर देते हैं, जिससे छाया बहुत खुश होती है। अब छाया खुशी खुशी बगीचे में आती और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देखती और शाम को अपने घर वापस चली जाती। कुछ दिनों के बाद छाया पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, तभी किसी बच्चे को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे उस बच्चे का सारा शरीर काला पड़ने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर सारे बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं। तभी वहाँ उस बच्चे के माँ बाप और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चे के माँ बाप यह देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। भीड़ देखकर छाया भी वहाँ दौड़ कर आती है। तभी छाया के हाथों में जादुई शक्तियाँ आती हैं और जैसे ही छाया उस बच्चे के सर पर हाथ लगाती है, उसके शरीर का रंग पहले के जैसा हो जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी वहां पार्वती आती है। जिस बच्चे को आप लोग अपशगुन मानते हैं, उसके हाथों से आज चमत्कार हो गया। भगवान ने इस बच्ची को अपशगुन के लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों की रक्षा के लिए भेजा है। पार्वती की बातें सुनकर गांव के सारे लोग शर्म से सर झुका लेते हैं और छाया से माफी मांगते हैं। तब उस बच्चे के माँ बाप छाया को गले लगा लेते हैं। सारे गांव वाले छाया के इस नेक काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। जब रमेश यह सब देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। इस लड़की की वजह से मेरा बेटा गोलू पहाड़ी से गिरकर मर गया था। आज गांव वाले इसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक रात जब छाया अपने कमरे में सो रही होती है, तब रमेश अपना मुंह बांधकर उसको मारने के लिए जाता है। जैसे ही वह छाया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी छाया के हाथों से जादुई कंगन अपने आप निकलकर उस रमेश को जोर जोर से मारने लगते हैं और वह नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। तभी कंगन की दो मोतियों से तेज रोशनी निकलती है। तुम्हें किसी के अच्छे काम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम इस बदले के भाव को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि छाया एक बहुत ही मासूम और दयालु हृदय की लड़की है। अगर उसको मारने का भाव तुमने अपने मन में रखा तो तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा। तभी छाया की नींद खुल जाती है और रमेश जाकर छाया के पैरों में गिरकर रोने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा था। मैं अपने बेटे की मौत का कारण तुमको मानता था। मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ। आज मैं तुम्हें मारने के लिए भी आया था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हैं आप, उठिए। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। छाया की बातें सुनकर रमेश छाया को गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद छाया के साथ गांव के सभी लोग स्नेह पूर्वक और आदर भाव से रहने लगते हैं। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी।
वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है, चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कट में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे। राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे। उनके जीवन अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब भी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है। हाय दया, राशि तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है, अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है, पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है। और दुखी मन से गांव के एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोली से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी, और यह जादुई है इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है, यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुपकर देखने लगती है।
वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पायल, इसे हाँफ क्यों रही हो? ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है और जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।